नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे एक नई योजना के बारे में जिसमें आपको मिल सकते हैं 50,000 रुपये और वो भी बिना ब्याज के। तो और वापस किस प्रकार चुकाना होगा या फिर बिना चुकाए ही हमारा काम चल जाएगा, तो वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यह योजना क्या है इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इसमें देख सकते हैं राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा यह गाइडलाइन जारी की गई है और वह योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकें, क्योंकि आपके लिए यह योजना बहुत ही आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इस योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। तो हम जानते हैं ये योजना क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है जो वैश्विक महामारी कोरोना से की जो विषम परिस्थितियां हैं उससे जो रोजगार छूट गया उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यह योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है यह देखिए। इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेल्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र के आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुमार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाले, नल, बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने पर पुनः स्थापित करना है। यानी इस योजना का लाभ यह व्यक्ति उठा सकते हैं। आगे देखिए कि इसमें कितने रुपए बिना ब्याज के मिलेंगे। यह योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि इसके लिए आपको बिना किसी गारंटी के ही 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि क्या वापस इसे गवर्नमेंट वापस किस प्रकार लेगी। तो यह देखिए कि यह योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी। दिनांक 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह है। यानी कि 3 माह तक आपसे कोई किस्त नहीं ली जाएगी, केवल किस्त ही ली जाएगी, इस पर कोई ब्याज तो है ही नहीं। तो आपसे 3 माह के बाद 4वें महीने से किस्त चालू होगी और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। यानी 4वें महीने से 12 किस्तों में आपको 50,000 रुपये वापस चुकाने होंगे। अब हम देखेंगे कि यह योजना किन क्षेत्रों में लागू होगी। यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रहे नागरिकों के लिए लागू होगी। केवल यह शहरी क्षेत्रों के लिए लागू है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना लागू नहीं है। और योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी इस योजना की क्रियान्वयन जो किया जाएगा वह स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। और इस योजना के लिए आप आवेदन ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि योजना में आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पासपोर्ट आकार का फोटो, जन आधार कार्ड, आधार, राजस्थान में वर्तमान निवासी संबंधी दस्तावेज, राजस्थान में स्थायी निवास संबंधी दस्तावेज, बैंक अकाउंट की पासबुक, योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार संबंधी दस्तावेज, ये आप देख सकते हैं। यह एक आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। तो दोस्तों, यह गाइडलाइन देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमें इस लोन अगर मिल जाता है तो इसे चुकाना ज़रूरी भी है या नहीं है। इस योजना की विस्तृत गाइडलाइन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप यह गाइडलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।